इंदौर के सांवेर रोड स्थित सत्यमित्र केमिकल फैक्ट्री में शनिवार देर शाम केमिकल गैस लीकेज होने से चार मजदूरों की आंख की रोशनी चली गई। चारों मजदूरों को तुरंत दिखना बंद हो गया। तुरंत उन्हें अरविंदो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही मजदूर संघ के नेता भी अस्पताल में मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचे और जांच के लिए एक आवेदन थाने पर भी दिया। मजदूर संघ के नेता का कहना है कि केमिकल फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम आज नहीं थे और न ही कंपनी मालिक ने मजदूरों का बीमा या पीएफ नियमों के मुताबिक करवा कर रखा है। लापरवाही पूर्वक काम लेने के कारण मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई है और इसलिए इस पूरे मामले में जांच होना चाहिए। वहीं बाणगंगा पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कंपनी के मालिक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर डीआईजी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है। ऑफिस में आए थे या कोई सी कंपनी में पांच भलाई समाज के मजदूरों के साथ कुछ हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कल जो है सावे रोड स्थित सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले हमारी समाज के चार मजदूर दीपक, विकास और योगेश के साथ में एक घटना घटी है। जो वहाँ पर काम करते वक्त केमिकल गैस का रिसाव हुआ, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस बात को लेकर परिजनों ने भी उनसे मदद मांगी थी, किंतु उनने जो है परिजन मदद करने की बजाय उनका तिरस्कार किया और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी उनके इलाज के लिए नहीं आया। अंततः गत्वा उन्हें रात को हम जो है अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका वहाँ पर इलाज के लिए जो हमने भर्ती करवाया है। चारों मजदूरों को आंखों से दिख नहीं रहा है। पलकें चिपक चुकी हैं और उन डॉक्टर का कहना है रेटिना बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई जीवित व्यक्ति की अगर आंखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है, तो जीते जी वो मृत्यु के समान हो जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। आज उस परिवार में उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिजनों का क्या होगा? घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो मजदूर थे। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, ऐसी स्थिति में उनकी मदद आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और गैर जिम्मेदार जो लोग हैं, जब पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल उसके मालिक हैं सत्यमित्र कंपनी के, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए थी, बाकी उन्होंने नहीं ली। इनकी सुरक्षा का साधन होना चाहिए था, रक्षा सुरक्षा होना चाहिए थी, बीमा होना चाहिए थी, बीमा पॉलिसी होना चाहिए थी। इसके अलावा उनके पीएफ भी होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। इस कारण हम जो है पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल के खिलाफ आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण ही आज हमारे चार मजदूर आंखों से बेओझल हो चुके। मजदूरों का हॉस्पिटल में किसने भर्ती कराया? मैंने कराया है अरविंदो हॉस्पिटल में। चारों मजदूरों को भर्ती कराया है योगेश मालवी, संजय मालवी, दीपक मेवाड़ा और विकास कोसेर। डीआईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीआईजी साहब ने वह कार्रवाई करने का भी कहा है और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कलेक्टर साहब से चर्चा करके वे मदद करवाएंगे, ऐसा भी आश्वासन माननीय डीआईजी साहब ने दिया है। बाकी हमारी मांग है कि जो आरोपी है, जो कंपनी के मालिक हैं पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे मजदूर की आंखें नहीं जाएं। आपका नाम और पद? मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीस भारतीय भलाई महासंघ। सर आज कुछ लोग मिलने आए थे जी? अभी कुछ लोग आए थे जिन्होंने आवेदन दिया है, तो अभी आवेदन हमें मिल गया है, प्राप्त हो गए। आगे जाँच होगी, जाँच में पता चलेगा क्या। हॉस्पिटल से किस तरह की जानकारी प्राप्त हुई? हाँ, अभी हमें थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई है, इसमें आगे बयान दिए जाएंगे उनके मजदूरों के, और आगे जैसे भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर कौन सी कंपनी है ये? जैसा कि इन्होंने बताया है, ये सत्यमित्रा एक कंपनी है, दीपमाला क्षेत्र में है। कितने लोग इसमें घायल हुए? ये लगभग चार लोग बता रहे हैं। आपका परिचय जी? आपका परिचय? सब इंस्पेक्टर आलोक मिठास।